शासकों को अगर राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला तो आर पार की लड़ाई तय है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 के विरोध से जुड़ी हुई है। जी हां, तमाम शिक्षक जो है सड़क पर हैं, विरोध कर रहे हैं नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का। उनका साफ कहना है कि सरकार को जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं उन्हें सीधे सीधे राजकर्मी का दर्जा देना होगा और पूर्ण वेतन मान देना होगा, इससे कम मंजूर नहीं है, वो परीक्षा किसी कीमत पर नहीं देंगे। दूसरी तरफ बीपीएससी की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया गया है और 15 जून से जो ऑनलाइन है फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। ऐसे में विरोध और भी ज्यादा तेज हो गया है। सड़क पर उतर गए शिक्षक, 3 जून भारी पड़ने वाला है सरकार पर और 3 जून को कह दिया गया है कि शिक्षक आर पार की लड़ाई शुरू कर देंगे। यानी कल से ये लड़ाई जो है सड़क पर और ज्यादा तेज देखने को मिलेगी शिक्षकों की। और अब इसके लिए प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षक जो है गोलबंद होने लगे हैं। नाराज शिक्षकों ने साफ साफ सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है और कह दिया है कि आगे सरकार की जो है मुश्किलें वो खड़ी कर देंगे, क्योंकि तमाम शिक्षक एकजुट हो रहे हैं, सभी विरोध में हैं और इसके लिए तमाम संघ भी एकजुट हो रहे हैं। सुपौल में बैठक हुई है शिक्षकों की, जो बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक हुई और बैठक में साफ साफ निर्णय लिया गया कि जो विरोध तेज किया जाएगा, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो जो इसके खिलाफ जो इसके संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने बैठक की और साफ कह दिया कि 3 जून को बिहार के लाखों प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षक एक साथ जिला मुख्यालय पर घोषणा पत्र को लागू करने की मांग करेंगे। तो जिला मुख्यालय पर भारी प्रदर्शन होने जा रहा है, कल प्रदर्शन होगा। तो इस पूरे मामले में जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं पंचायत शिक्षक संघ के, क्या कुछ कह रहे हैं पंकज कुमार सिंह, सुन लीजिए। नियमावली, अध्यापक नियमावली 2023 बिहार के 5 लाख शिक्षकों के साथ धोखा हुआ है। उस नियमावली में विगत 20 वर्षों से, 15 वर्षों से, 10 वर्षों से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको समायोजित करने का, राजकर्मी के दर्जा में समायोजित करने की कोई बात नहीं करके बिहार सरकार ने बिहार के शिक्षकों के साथ जो छल किया है उसी छल का जवाब देने के लिए आज बिहार के लाखों शिक्षक एकत्रित हो रहे हैं, चाहे प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो, सभी तरह के शिक्षक एकत्रित होकर के 3 जून से सभी जिला मुख्यालय पर विराट प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद भी बात नहीं मानी गई तो आगामी मानसून सत्र में बिहार का 5 लाख शिक्षक पटना की धरती पर पहुंच करके सरकार का ईट से ईट बजा देंगे। आज वही तैयारी हम लोग कर रहे हैं, सभी संकुल में, प्रखंड में, जिला में, राज्य में, हर जगह आपके माध्यम से हम सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी को कहना चाहते हैं, भला चाहते हैं तो बिहार का जो शिक्षक है 5 लाख उसको राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। इन लोगों ने बहुत ईमानदारी से सरकार बनाने में अपना बहुमूल्य वोट दिया है। अगर इन शिक्षकों के साथ विश्वासघात हुआ, अगर इनको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला तो आप स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि जिन शिक्षकों ने आपको गद्दी पर बिठाया है वही शिक्षक आपको राजगद्दी पर से उतारने का काम करेगी, या स्पष्ट तौर पर आप जान लीजिए। सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं, विरोध भारी होने वाला है शिक्षकों का। और अब जो है उन्होंने सीधे सीधे मोर्चा खोल लिया है और आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।